5 दिन पहले रिलीज हुआ था एंड वी डिडंट एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज़ ये ऑर्गेनिकली नया चैनल है एम प्लस आतिफ भाई का आतिफ भाई इज द ओनर ऑफ दिस चैनल एंड दे जस्ट पुट इट आउट देयर एंड इट रीच्ड अ मिलियन व्यूज इन 5 डेज सो वी वर लाइक वाओ दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी एंड स्पेशली फोन करके कहा कि यार यू नो आपका नया चैनल है द सॉन्ग हैज रीच्ड अ मिलियन व्यूज ऑर्गेनिकली आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी एंड दिस सॉन्ग इज ब्यूटिफुल बहुत ही जज्बे के साथ बहुत ही पैशन इस गाने में है इट्स अबाउट हॉलीवुड है तो गाने तो बनना ज़रूरी है हमारा रोमांटिक माहौल चल रहा है बारिश का मौसम है बॉम्बे रेन्स फेमस है एंड आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट विवेक करण गौतम ये सब फ्रेंड्स ही हैं और विवेक का आज म्यूजिक लेवल का भी लॉन्च हो रहा है एम प्लस सो आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम थैंक यू एंड मैम लास्टली गणपति सभी के बीच में आने वाले मुंबई में गणपति जी की जान जी बिल्कुल मैं खुद गणपति रखती हूँ 19th को आप सबको भी इनवाइट है गणपति का सो गणपति बप्पा मोरया पहले तो और 19th को हम लोग रख रहे हैं और 5 दिन के लिए गणपति मैं खुद अपने घर पे रखूँगी सो यस पूजा करेंगे प्रॉपर उनका आशीर्वाद लेंगे सबके लिए अभी बस कुछ दिनों में मेरी गुजराती फिल्म रिलीज हो रही है दैट इज थिएट्रिकल रिलीज कॉल इट्टा किट्टा और जल्दी हम लोग उसका पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं और दिसंबर में हम लोग की रिलीज है थैंक यू क्या है ना कि जब मैं छोटा था मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज में था ना तब वो बहुत ही एक MTV पर चैनल वी पर हम म्यूजिक वीडियोज का वेट करते थे जैसे फाल्गुनी पाठक का कोई वीडियो आया दलेर पाजी का कोई वीडियो आया यू नो फिर वो दौर बंद हो गया यू नो वो वीडियोज आने बंद हो गए अब जाके फिर एक दौर आ रहा है जब सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज यूट्यूब पे आ रहे हैं जवान के लिए ये 3-3 गदर 3 आ चुका है मैं समझ जाइए कि बदनाम होने वाले के जुबान का कोई नहीं होता मैं चाहूंगा सर शुरुआत हम करेंगे जो आप बता रहे फेसबुक की पोस्ट के लिए हाँ। तो आप बताएंगे अगर उस जोक से शुरू करें तो अच्छी शुरुआत होगी हंसते खाते फेसबुक पोस्ट कौन सी वाली वो जो आप कहते हैं बीच में एक आदमी एक दुबले पतले आदमी ने 2 शादियां कर ली और खुद खड़ा हो गया बीच में और दोनों पत्नियों को आजू बाजू में खड़ा के पोस्ट कर लिख रहा है एक जवान विथ गदर 2 तो फिल्में तो आते रहती है फिल्मों के अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लीज़ किसी लड़की को मत छेड़ना और खासकर बुरखे वाले को मत छेड़ना कभी भी किसी बुरखे में राखी सावंत भी हो सकती है तो प्लीज़ आप ध्यान रखें और इस वक्त सीमा हैदर बड़ी परेशान है 3-4 दिन से सचिन को हाथ नहीं लगा पाई बोले नया रूल आया है बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करनी पड़ेगी तो सचिन के बाप से बात करनी पड़ रही है और बाप कभी इस वक्त ग्रेटर नोएडा में है नहीं नोएडा जा चुका है तो ये सारी बातें लेकिन अदरवाइज जीत की जुबान और कोई अपना नहीं होता और बदनाम किया है इन तीनों गानों को 3 cheers for 3 songs और मैं समझता हूँ कि 3 cheers की बात अगर आती है तो ड्रिंक की बात आती है और 3 गानों में जो नशा है उसकी पार्टी चल रही है और सारे कलाकार को जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जीव हजारों साल अपने काम से करते रहो कमाल और धमाल यही तहे दिल से दुआ दे रहा है कॉमेडी गला सुनील पाल लव यू ऑल हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा और इस 3 गानों के बिना हम हूँ अधूरा और जो इसे सुनेगा उसका जीवन हो जाएगा काशी और मथुरा हाँ अभी भाई साहब ये 3 लोग मुझे पूछ रहे हैं कि खासकर जवान और गदर की टीम मुझे पूछ रही है कि सुनील 2003 में पब्लिक को तुम क्या दे रहे हो 2023 में पब्लिक को क्या दे रहे हो मैंने कहा गाली गलौज मैंने कहा नहीं वो गाली गलौज नहीं फिल्म गाली गलौज दे रहा हूँ जो स्टैंड अप कॉमेडी पे आधारित है लेकिन इस फिल्म का नाम भले गाली गलौज है फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था वैसे हमारी फिल्म गाली गलौज में विलन है एक पारिवारिक फिल्म है आप ज़रूर देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा तो बहुत शुक्रिया एंजॉय कीजिए लव यू ऑल भगवान करे ईश्वर करे मेरे सारे दोस्त मालिक करे हर काम में क्लिक करे यहाँ जा या वहाँ जा दुआ ये कि छा जा गुड टू सी यू सर थैंक यू आज भी नए गाने आ रहे हैं आशिकों पर भगवानों पर यस यस आप एज एन एक्टर किस गानों पर ज्यादा अपने आप को सूट करना चाहेंगे अगर प्रोजेक्ट्स मिले एक्चुअली म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई टोटली फील इट
तो जिस टाइम जो मूड होता है, जैसा मुझे फील होता है, उस टाइम पे मैं वैसा म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। इट डिपेंड्स, वो भगवान के गाने हैं और वो मोटिवेशनल सॉन्ग है और वो सब न्यू पंजाबी हिप हॉप हैं या सम गुड लिरिकल सॉन्ग्स। सो आई लव टू हियर ऑल द सॉन्ग्स एंड आई रियली लव म्यूज़िक। आज रॉजर बुलाटी जी का भी गाना, यस जी भी, क्या कुछ अपनी तरफ से शुभकामनाएं बधाई दी है? दे हैव बीन वर्किंग सो गुड लाइक फॉर सो मेनी इयर्स नाउ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाने आ रहे हैं, मूवी इतने बेहतरीन गाने वाले इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, आपकी क्या राय है इस गानों पर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ थोड़ा। आज हमारा बदनाम क्या है गाने का पोस्टर लॉन्च है जो जी म्यूजिक में रिलीज हो रहा है, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं एम प्लस बीट्स, जिसको गाए देव नेगी एंड गुल सक्सेना ने, एंड जिसमें फीचर कर रहे हैं मुस्तफ़ा अली जो लास्ट मशीन फिल्म में हीरो थे, एंड समीदा जी फीचर कर रहे हैं, अतीफ जी इज द एम प्लस बीट के चेयरमैन है, एंड ऑल अप टू यू, प्लीज़ आप लोग बताइए। देव, आपसे शुरू करते हैं। देव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाना गा के, क्योंकि गाने की कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी थी। विवेक जो मेरे फ्रेंड है बहुत सालों से, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये गाना करना है, और मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, और आई होप सो कि जब ये गाना आप लोगों तक पहुंचेगा तो आप लोग भी उसे पसंद करेंगे। मुझे तो बहुत पसंद है। समीर, मैंने ये जो सॉन्ग किया उसमें मैंने एक्ट किया है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे जो सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं करण सिंह चौहान, ऑब्वियसली वो पार्टी में नहीं है तो मिस्ड है कुछ ना कुछ, उनकी वजह से ये सॉन्ग बना है हमारा। और विवेक हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, हमने सारी टीम अप करके बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है हमने, और हमें मतलब उम्मीद है कि गाना हमारा चलेगा, हिट होगा। और जी में रिलीज़ हो रही है हमारी सॉन्ग, राइट? जी में रिलीज़ हो रही है, 16th को रिलीजिंग है, तो बस आप लोग का बहुत सारा प्यार चाहिए, हमने मेहनत करा है। एंड नेक्स्ट हरमान नजीम, प्लीज़ आइए। नजीम के साथ हमारे दो गाने आ रहे हैं, जीत की जुबा एंड करणवीर बोहरा के साथ है, एंड द अदर इज दुनिया में कोई अपना नहीं होता, जिसमें गौतम गुलाटी, अक्षिता मुद्गल एंड या नजीम कुछ कहना चाहेंगे? कुछ क्या सर, बहुत कुछ कहना चाहेंगे। गानों की बरसात लगा दी आपने, बिकॉज ऑफ हिम कि लाइफ में कोई अपना नहीं होता जैसा आपने गाने में सुना, लेकिन यहाँ मेरा कोई अपना है। सो स्वीट ऑफ यू विवेक दा, बिकॉज बॉम्बे जैसी जगह में इजीली लोग, मतलब अच्छे लोग मिलते नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद मिलते, तो मुझे टाइम तो काफ़ी लगा ढूंढने में, बट फाइनली आई गॉट हिम। और जैसे कि वो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो बहुत अच्छे, बाई नेचर बाई हार्ट ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, और एज अ ब्रदर, एज अ मेंटर, क्योंकि मैं तो गाता तो हूँ बट क्या किस टोनल क्वालिटी में गाना है वो ही नोज वेल। थैंक यू नजीम, आप लिटरली आप मुझे सोचना भी नहीं पड़ा मैं किसी और के वॉइस में ट्राई करूँ गाना, अतीफ जी ने अप्रूव भी किया ये वॉइस, एम प्लस बीट्स के जो चेयरमैन है, दुनिया में कोई अपना नहीं होता का, आई मीन अतीफ जी प्लीज़ ऑल अप टू यू। एक्चुअली हम लोग जब स्टार्टअप लेना चाह रहे थे तो हमारे माइंड में था कि एक हम लोग मोटिवेशनल सॉन्ग बनाएंगे, तो विवेक भाई ने जब वो सॉन्ग हम लोगों को सुनाया तो हमने उसे पहली बार में ही सिलेक्ट किया और उस गाने पर आगे बढ़े। उसके अलावा विवेक भाई ने एक गाना बोला, मतलब ऐसे ही कि यार एक गाना और है दे सुनना, तो उसमें जो लाइन थी कैसे कैसे लोग होते हैं झूठी मूठी बातें करते हैं, मतलब इतनी कॉमन लाइन्स हैं, हर एक इंसान मैं समझता हूँ दिन में एक आध बार बोल ही देता होगा, मतलब हर एक कॉमन पर्सन से ना रिलेट करती है। तो मैंने गाना सुना नहीं, मुझे नहीं पता कौन गाने जा रहा है, मुझे नहीं पता उसके क्या लिरिक्स हैं, क्या कंपोजिंग है, कुछ भी नहीं पता था, बस सिर्फ इस लाइन की वजह से मैंने विवेक भाई से कहा कि इसे डन करते हैं, एंड टचवुड यार बहुत ही प्यारा गाना बन के आया है, प्लीज़ विवेक भाई। इट्स नो डाउट, आई मीन श्रुति जी जो बदनाम के आके प्रोड्यूसर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट सॉन्ग वी एवर प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ विवेक, सॉन्ग आई बिलीव इज ब्रिलियंट, तो लेट्स होप यू ऑल आल्सो लाइक इट, एंड हाउ डिड यू गाइस बाय द वे लाइक द सॉन्ग? आई डोंट नो, दैट्स इट, आई थिंक द सॉन्ग इज नाइस एंड वी होपिंग फॉर इट टू डू वेल। Thank you. And Amit is the director of the company. Which? I'm literally, honestly, very happy. तीन सॉन्ग हमारे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, एक सॉन्ग इज ऑल अबाउट टू रीच 1 मिलियन, और अभी जो अभी आ रहे हैं हमारा जी पे आने वाला है बदनाम किया, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आज हमारा एक सॉन्ग और रिलीज हो गया है, कोई अपना नहीं होता, वो भी आगे देखिए कितना कमाल करता है, पर मज़े आ रहे हैं अभी काम करने में भी, और जो जो म्यूज़िक आ रहा है ना, जैसे अपने अरमान भाई हैं, अतीफ जी, विवेक भाई,
सब एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं अभी। लेकिन जिस तरीके गाने का टाइटल ही दुनिया में अपने तो, लेकिन आप लोगों को देख के लग रहा है कि सब अपने अपने हैं, तो आप लोगों के हिसाब से काफी गाने वितरित कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस हम क्रॉस करके आए हैं तभी जाके ये वाला एक्सपीरियंस मिला है। आई मीन सर साक्षात सर यहाँ पर छवि के साथ बहुत अच्छा। नहीं वो नहीं गा सकते मोहब्बत बदनाम, वो रिलीज परसों होगा। आप ये गा दो बस साथ में आप सभी। यस श्योर दुनिया में अजय सर आप सेंटर में आ जाइए। दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ये दिल तन्हा ही तन्हा है बस रोता। कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ये दिल तन्हा ही तन्हा है बस रोता। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। और इस गाने को ट्रेंड पे आपको लेकर आना है तो लाएंगे ना। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके गाना भी हमने लाइव भी सुना, तो हमने सर को सुना के। लेकिन आपसे जाना चाहूँगा कैसा लगा आपको गाना, क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस क्या मैं बताइए सामने। Firstly, I want to congratulate all of you, especially you. You got a very great voice. And being into TV and films and गाने करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक वजह ढूंढते हैं एक 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 अच्छे से टैलेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड आई गॉट वेरी ऑनर्ड आई थिंक कि मुझे ऐसा मौका मिलता है और मैं हमेशा जाके सेलिब्रेट करता हूँ। ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, आई हैव सीन ऑल द थ्री सॉन्ग्स, ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन, बिकॉज बिग बैग के साथ मैं ऑलरेडी एक गाना कर चुका था मुँह छुपाने लगी हूँ, तो मुझे पता है उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। सो ब्यूटिफुली पिक्चराइज एंड ब्यूटिफुली सन बाय हिम एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स अ ग्रेट पार्टी एंड वी ऑल आर हैविंग फन। या क्या कुछ नया मिला सर इस बार आपको? हाँ देखिए, क्योंकि मैंने भी कुछ गाने डायरेक्ट किए थे अभी रिसेंटली, सो अभी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज एन डायरेक्टर एज एन एक्टर। और क्योंकि फिल्म्स में काम करना एज एन एक्टर, तो वो हम लोग वो परफॉर्मेंस गाने में ढूंढते हैं। एंड ऑल द सॉन्ग्स विच हैव बीन पब्लिश हियर, आई हैव सीन द ऑल ब्यूटिफुल स्टोरीज बिहाइंड एवरीथिंग एंड ब्यूटिफुल मैसेजेस देयर। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला एंड आउटडोर ब्यूटी हैज बीन कैप्चर्ड, बहुत अच्छा है। और ऐसे ही मैं दुआ करता हूँ, ऐसे ही विशेस देता हूँ कि हमेशा आप लोग ऐसे गाने बनाते रहें और ऐसे लोगों को एंटरटेनिंग करते रहें। एंड विश एवरी टीम ऑफ इंडिविजुअल सॉन्ग्स के सबको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आई गेस मिलियन व्यूज बहुत चुका है, तो और ज़्यादा प्यार मेरे लोगों का, और यही विश दूंगा सबको। सर जो गाना है कोई देखिए क्या होता है, जब एक एक्टर कोई परफॉर्मेंस देखता है और एक एक्टर जब किसी चीज़ से कनेक्ट करता है तो वो सोलफुली कनेक्ट करता है और वो इमोशनल भी होता है, वो डेप्थ में भी घुसता है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ के एक्चुअली कनेक्शन से याद आते हैं। तो जो भी मैंने देखे हैं अभी तक गाने, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। तो यस, एज एन एक्टर हम लोग दिल के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं बोलते हैं, तो इमोशनल गाय होने के साथ साथ उतने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो आई गेस बहुत कुछ सीखा हूँ और कुछ इमोशनल मूवमेंट जो देखे उसमें कुछ रिलेट भी किया, सो आई एम फीलिंग गुड। या वो तो मुझे इतना नहीं मालूम है कि मैं इतना डेप्थ में नहीं गया हूँ, बट गाने की सिचुएशन मुझे मिली तो मुझे विवेक दा ने बोला कि हमारा एक गाना है और हम वो गाना करते हैं, तो ठीक है वो गाना सुना। तो मैं हर किसी का कुछ ना कुछ, क्योंकि सैड सॉन्ग है, सैड रोमांटिक है, सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग तुम्हारे बिना कोई गा भी नहीं सकता। थैंक यू सर। ये सच अ टैलेंटेड गाय, इसने जितने भी गाने गाए सब सुपर हिट गाए, जो इससे गाना नहीं गवाएगा अपना गाना गवाएगा। तो शहर हो या गांव, तुम हमेशा गांव। गुड गाय। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ कि आपको परिचय हो जाना चाहिए इस गाय की, क्योंकि इनकी बेहतरीन है गाय की, है ना। तो
हमारे सर कुछ बोलिए, ये जो तीन गाने हैं तीनों का कलर अलग है एंड मुझे लगता है कि थ्री चीयर्स है और थ्री चीयर्स मतलब नशा और गान में नशा और ये नशा चढ़ के बोलेगा जबरदस्त तरीके से चढ़ के बोलेगा सुपर हिट हो जाएगा। अरमान ने भी बहुत प्यार से सॉन्ग गाए हैं अपने म्यूजिकल वीडियो में, मैंने देखा है क्या बात है। अरे ये रियल हेयर है मेरे पास। ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस से हिंदी सॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं। मेलोडी है, रोमांटिक है, सैड है और आई एम सो हैप्पी फॉर केवी एंड गौतम गुलाटी। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू गाइस और सब जाके रील्स पर ना उन गाने को प्रमोट करो। आई एम गोइंग टू डू वन एल्बम सॉन्ग और मेरा खुद 5 अक्टूबर को टीसरीज पंजाब से गाना आ रहा है न्यू, प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर। और इंस्टा पर भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ आशीष शर्मा ऑफिशियल। और मेरे ऑलरेडी जो सॉन्ग है मैथ आर्मित के लेवल पर आया है जो ऑलरेडी 8 मिलियंस हो चुका है मेरा वाला गाना, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना बिकॉज इट्स प्योर पंजाबी सॉन्ग मैथ जाके देखिएगा ज़रूर। मैं बस ये चाहती हूँ जितना भी प्यार आप दे रहे हो ये बरकरार रखे। आई एम गोइंग टू एंटरटेन यू, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो और बहुत अच्छी जा रही है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने बहुत मेरे पास आया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे रहे, बहुत टाइम से देख रहा हूँ। नए कंटेंट क्या कुछ ऐसा आपके स्पेशल आ सकता है गानों के लिए लॉन्च हो रहा है कुछ बड़ा गाना? एक्चुअली हम लोग प्लान तो चल रहे हैं, प्लान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं बट समटाइम्स मैं उनको चूज़ नहीं करता बिकॉज मुझे वो समझ में नहीं आता है या तो फिर कोई लेवल अच्छा नहीं होता है, ये सोच के मैं उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता हूँ। ज़्यादातर ऐसे ही होता है बट कुछ सॉन्ग्स मैंने किए हैं एंड और प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर अगर बात करूँ कंटेंट्स की, क्या लगता है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कंटेंट वाइज? जी कंटेंट है तो इंस्टाग्राम चल रहा है बट हम लोग कंटेंट रिलेट करता हुआ लाइफ से जो होता है वही क्रिएट करते हैं तो अच्छा रीच मिल जाता है और एक रिलेटेबल जो चीज़ होती है उसका एक अलग रिजल्ट होता है राइट। और जो हम क्रिएट करते हैं माइंड से वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है कभी कभी समटाइम, बट हमेशा यही होता है कि हम जो रिलेट करता हुआ होता है हमारी ऑडियंस से उनमें से उनकी लाइफ में से या हमारी लाइफ में जो हमारे साथ हुआ होता है हम वो क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें अच्छा एक रीच मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। गणेशोत्सव राइट जी, तो गणेशोत्सव बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे जो सॉन्ग्स होते हैं उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जो एक ये माहौल होता है गणेश विसर्जन राइट, जो गणेश जी का एक माहौल होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच।